न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कृष्णनगर मार्केट संगठन के पदाधिकारियों के साथ मेयर डॉक्टर शैली ओब्राय से मिले संगठन के अध्यक्ष जुगल अरोड़ा। निगम की समस्याओं को लेकर, ग्लो शाइन बोर्ड को लेकर आजकल निगम ने कृष्णनगर मार्केट के लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें टोटल 27 फुट के बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया है। अगर किसी ने इससे बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है तो 2018 से उसको चार्ज और 50,000 रुपये जुर्माना और कैद भी हो सकती है। इस बात को लेकर कृष्णनगर के संगठनों के पदाधिकारियों ने बात रखी कि मेयर डॉक्टर शैली ओब्राय व्यापारी भाइयों को आश्वासन दे रही हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। व्यापारियों ने लिखित में पत्र दिया और अपनी समस्याओं के बारे में व्यापारी भाइयों ने बताया कि जिसमें मार्केट के सभी लोग मौजूद रहे, अशोक सेठ, प्रवीण महाजन, विपिन खोसला, वरिंदर कुमार, सुमित गुप्ता, डॉक्टर प्रदीप सेडा, हरविंदर गांधी, काफी संख्या में यहाँ पर व्यापारी मौजूद नजर आए। भारतीय किसान परिषद के तत्वाधान में आज 32वें दिन भी प्राधिकरण पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। समिति के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने धरना पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों से विचार विमर्श के बाद कहा कि प्राधिकरण किसानों को केवल गुमराह कर रहा है, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर रोज गांव गांव जाकर किसानों को सचेत किया जाएगा, पंचायत की जाएंगी और अगले सप्ताह जरूर कुछ बड़ी घोषणा की जाएगी। इसके इतर किसान परिषद के तत्वाधान में एनटीपीसी मुख्यालय सेक्टर 24 पर किसानों का जो धरना चल रहा है उसमें भी 12 तारीख हो चुकी है, जिसके समक्ष अधिकारी ने 5 तारीख को बताया था कि जल्द ही आपकी एनटीपीसी सीएमडी से वार्ता की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ज्यादा ठंड में रोड पर पड़े रहने की वजह से एक वृद्ध किसान अस्पताल में भी भर्ती हो गया। खलीफा जी ने कहा है कि एनटीपीसी को लेकर भी जल्द बड़ी घोषणा की जाएगी। सीतापुर में हैंड ग्रेनेड मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भट्टापुरवा गांव के बाहर खेत में हैंड ग्रेनेड मिला। हैंड ग्रेनेड मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र का मामला है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर मौजूद है। एसपी सुरक्षा साहब से अनुरोध किया गया है कि बम निरोधक दस्ता टीम को बुलाया जाए। टीम रवाना हुई और हर पहलुओं पर जांच की गई। आगरा में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आगरा शहर राममय हो गया। हर तरफ राम महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच आगरा के डॉक्टर्स का एक निर्णय इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मरीजों के पर्चे पर लैटिन भाषा के शब्द आरएक्स जो लिखते थे, अब उसकी जगह पर डॉक्टर जय श्री राम लिख रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन की इस पहल से तमाम चिकित्सक जुड़ गए हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव उपाध्याय और डॉक्टर आलोक मित्तल ने बताया कि मरीज को दवाई लिखते वक्त आरएक्स लिखा जाता था, जिसका मतलब वो नहीं समझते थे क्योंकि ये लैटिन भाषा के शब्द सीप्रे का शॉर्ट फॉर्म है। अब चिकित्सक जय श्री राम लिख रहे हैं। इस शब्द के लिखे जाने के पीछे का मतलब होता है कि डॉक्टर ने दवा लिख दी है, बाकी ईश्वर रक्षा करे। इससे मरीज का डॉक्टर से जुड़ाव बढ़ेगा, उससे आध्यात्मिक सहारा और मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। पीलीभीत में मामूली अनबन और लड़ाई झगड़े में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते पति हरिद्वारी पुत्र नथुलाल ने अपनी लगभग 30 साल की पत्नी प्रीति देवी की हत्या कर दी। वही सूचना पर पीलीभीत अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर प्रतीक दहिया, कोतवाल, जहानाबाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना से संबंधित जानकारी जाकर मृतक महिला प्रीति देवी के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे मृतक महिला के मायके पक्ष के परिजनों ने पति हरिद्वारी उर्फ राम स्वरूप पर हत्या का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया है कि आपसी अनबन और लड़ाई झगड़े के चलते थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव मिलक निवासी हरिद्वारी उर्फ राम स्वरूप ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज जिले में खाके से बेखौफ हथियारे चौके से मात्र 50 मीटर दूर हथियारों ने 12 साल के छात्र की हत्या कर दी। हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नदरे के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र था हिमांशु, अपनी मां से खेलने की कहकर निकला था घर से बाहर। देर रात तक नहीं लौटा तो परिजनों ने छात्र की खोजबीन की। निर्माणाधीन मकान में बच्चे का शव मिला। जानकारी मिलती है पुलिस के अधिकारी हथियारों की तलाश में जुटे हुए हैं। पुलिस ने छात्र के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के नदरे चौकी के पास की पूरी घटना है। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति कानपुर जेल पहुंचे, जहां कानपुर जेल प्रशासन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ उनका स्वागत किया गया। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में जहां भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है,
और इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के विभिन्न जेलों में कैदियों के द्वारा दिए गए राम ध्वज के साथ अन्य वस्तुओं को तैयार किया जा रहा है और 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण यूपी की सभी जेलों में एलईडी के माध्यम से किया जाएगा। वहीं विपक्षी दलों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार और बयानबाजी पर प्रजापति ने कहा कि भगवान राम पर आक्षेप लगाने वाले लोगों को जनता सबक सिखा रही है और इन लोगों को चाहिए कि एक बार ही भगवान राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो और उसके साक्षी बने, ना कि विरोध करें। बिजनौर के थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के गांव सबदलपुर रहरा में गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। गुलदार की उम्र 2 साल बताई जा रही है। 1.5 महीने पहले इसी गांव में गुलदार ने बच्चों को निवाला बनाया था। वन विभाग ने सभी से गांव में पिंजरा लगा रखा था और गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग के क्षेत्र अधिकारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि 2 साल का गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। संभवतः ये वही गुलदार है जो बच्चों को निवाला बना रहा था। वहीं वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के बाद राहत की सांस ली। जनपद बिजनौर के सबदलपुर सहरा का ये पूरा मामला। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर कोई अपने अपने तरीके से भागीदारी निभा रहा है। इसी बीच कानपुर जेल के कैदी भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं, जिसके लिए वो राम पताका बना रहे हैं। सिलाई मशीन तेजी से चल रही है और ये हाथ किसी फैक्ट्री के कारीगर के नहीं बल्कि कानपुर जेल के कैदियों के हैं। ये कैदी हनुमान जी के प्रिय राम पताका बना रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और देश के अलग अलग कोनों से लोग कुछ ना कुछ सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में कानपुर जेल के कैदियों ने तय किया है कि वो भी अपने हाथों से राम पताका बनाकर अयोध्या भेजेंगे और कैदियों की इच्छा को देखते हुए जेल प्रशासन ने राम पताका बनाने का इंतजाम कर दिया है। राम पताका बनाकर जेल के कैदी काफी खुश हैं और जेल प्रशासन के मुताबिक उनका कहना है कि हमारी भगवान राम में बहुत श्रद्धा है और ऐसे में रामलला के उत्सव में हम भी सहयोग करेंगे। 22 तारीख को कैदी भजन कीर्तन भी करेंगे, व्रत भी रखेंगे। वहीं कानपुर जेल के बंदियों के द्वारा कुल 2001 राम पताका बनाई जा रही है। इनको बनाने के बाद जेल प्रशासन द्वारा इन पताकाओं को अयोध्या भेजा जाएगा। इसके साथ ही 22 जनवरी को कैदियों के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाइव प्रसारण का इंतजाम भी किया जा रहा है। वैसे तो पत्रकार समाज का आईना होता है, जनता और जिम्मेदारों के बीच सेतु का काम करता है, पर समय के साथ इस सम्मानित पेशे को कुछ आपराधिक इतिहास वाले नेटवर्क टाइप के लोग दिमाग बनकर खोखला कर रहे हैं। बांदा में स्वयंभू प्रेस क्लब का अध्यक्ष बना हुआ दिनेश निगम दद्दा महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहा है जिसको सुनकर अमर्यादित शब्द भी कम पड़ जाए। पुलिस विभाग को तत्काल इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पूरे पत्रकार समाज को बदनाम कर रहा है। इतना ही नहीं, इसके गैंग में एक से एक हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं जिसके ऊपर मूर्ति चोरी, अपहरण, रंगदारी, पुलिस से मारपीट जैसे मामले दर्ज हैं। इसके गैंग में एक इंजीनियरिंग कॉलेज से भगाया गया कंप्यूटर ऑपरेटर भी है जो कि एक पूर्व विधायक के यहाँ ऑफिस बनाकर कई मार्केटिंग संस्थाएं बनाए हुए हैं और तत्कालीन डीएम हीरालाल के जमाने में सांठगांठ करके लाखों रुपये प्रशासन के खा चुका है। प्रयागराज के नैनी में पुलिस और एसएचजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेल में रेड अलर्ट करते हुए देसी असलहे का कारखाना पकड़ा है। इस दौरान कारखाना चलाने वाले 4 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए लोग ट्रक की स्टेयरिंग के पाइप को खराद मशीन के जरिए तमंचा बनाकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने मौके से कई बने हुए तमंचे, कुछ अर्धनिर्मित तमंचों के साथ पुर्जे और डाई भी बरामद की है। यमुनानगर के डीसीपी अभिनव त्यागी ने बताया कि इन असलहों को किन किन लोगों ने खरीदा है उसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने चोरी के मुकदमे में वांछित 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में थाना गागलडेही पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे में वांछित 12 अभियुक्त इस्तार पुत्र नवाब तमाम लोग पकड़े गए हैं। फर्रुखाबाद में घर से बुलाकर दबंग युवकों ने जमकर मारपीट की। दबंगों ने खेत पर ले जाकर जमकर युवक की पिटाई की है। ग्रामीणों ने युवक की पिटाई होते देख वीडियो बनाया। ग्रामीणों के वीडियो बनाते हुए दबंग छोड़कर भाग गए। युवक दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता था, सुबह ही घर आया था। ग्रामीणों ने मौके पर जाकर युवक को देखा, बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा मिला युवक। ग्राम प्रधान ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन घायल अवस्था में सीएससी में भर्ती कराया। थाना कपिल क्षेत्र के अगरतला गाँव का ही पूरा मामला। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले लोगों में अलग अलग तरह से जुड़ने की होड़ मची हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह से लोग जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कानपुर के मुस्लिम युवा फराह जावेद ने कुछ अपनी अलग ही सोच राम मंदिर और राम भक्तों से जुड़ने के लिए बनाई है। आपको बता दें कि फराह जावेद एक टैटू आर्टिस्ट है जो पिछले 14 साल से शहर के नवीन मार्केट से अपनी शॉप पर टैटू बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब उन्हें लगा कि देश भर के लोग अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़कर अपना योगदान दे रहे हैं तो उन्हें भी
अपनी कला से जुड़ा हुआ योगदान देना चाहिए। ऐसे में उन्होंने ठान लिया और ऐलान कर दिया कि जगह जगह ये बात पहुंचा दी जाए कि अपनी शॉप पर 51,000 लोगों के हाथों पर जय श्री राम के टैटू बनाएंगे, जिसके लिए वो एक भी पैसा नहीं लेंगे। वही बात करने पर बताया गया कि 51,000 टैटू बनाए जाने की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और बीते 3 दिनों में 1900 लोगों ने हमारी शॉप पर आकर जय श्री राम लिखवाने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। देखिए, बहुत दिनों से ये चल रहा है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक सच्चे देश के नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग ये सोचें कि हम उसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, तो उसके चलते मैंने सोचा कि हमारी संस्था, मैं और पूरा कानपुर क्या डेडिकेट कर सकता है राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कला को जाहिर करते हुए 51,000 लोगों को फ्री में टैटू दिए जाएं। गीता प्रेस में छपने वाली रामचरितमानस की पुस्तक हुई खत्म। अयोध्या में बना रहे राम मंदिर और उद्घाटन को लेकर पुस्तकों की बिक्री में तेजी आई है। गीता प्रवेश प्रबंधन पुस्तक छापने की तैयारी में जुटा है। गीता प्रेस प्रबंधन इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रभु राम के गृह प्रवेश और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। विदेशों में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। लोग अयोध्या नगरी और प्रभु राम के बारे में जानकारी लेने के लिए इन पुस्तकों को लगातार खंगाल रहे हैं, जिससे रामचरितमानस पुस्तक शॉर्टेज हो गया है इसका। गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं, धार्मिक पुस्तकों को खरीद रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रामचरितमानस की पुस्तक की बिक्री बढ़ी है। इसकी वजह से फिलहाल गीता प्रेस के पास भी पुस्तकों की कमी हो गई है। हालांकि तैयारी की जा रही है कि केंद्र पुस्तकों की छपाई की जाए, लेकिन अभी समय लगेगा। बाराबंकी जिले के विधानसभा जैदपुर क्षेत्र अंतर्गत टीकरा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के साथ मोर्चा मंडल अध्यक्ष दशरथ लाल, मुख्य अतिथि भाजपा नेता अबू उमेर अंसारी, टीकरा उस्मा प्रधान मोहम्मद अफसार। कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष दशरथ लाल ने उपस्थित लोगों को प्राण प्रतिष्ठा की शपथ दिलाई है। इससे पूर्व नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुत पेश किए गए कार्यक्रम में ब्लॉक के अधिकारी, स्थानीय ग्रामीण सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।